आज हमारे साथ इन टू द वाइल्ड सेगमेंट में है टाइगर प्रिंसेस ऑफ इंडिया डॉक्टर लतिका नाथ जी बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं एंड कॉन्जरवेशन इकोलॉजिस्ट भी हैं और साथ में ऑथर भी हैं जस्ट इट कैसे ये जर्नी की शुरुआत हुई आपने इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ाई की थी और फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और पी एच डी इन टाइगर ऑल्सो यू डन योर डॉक्ट्रेट तो कैसा रहा ये सफ़र आपका सो so, मैंने एक्चुअली सच्ची भारतीय होने के नाते मास्टर्स हाथियों पे किया है आई हैव मास्टर्स ऑन एलिफेंट कन्ज़रवेशन और पी एच डी टाइगर कंजर्वेशन पे पर मेरी रुचि इस फील्ड में बचपन से थी आई मेन ओनली चाइल्ड तो जब मैं बड़ी हो रही थी मैं बहुत टाइम आउटडोर्स में बिताती थी और बहुत टाइम अकेले बहुत और मेरे बहुत सारे पेट जानवर जानवर होते थे और इसके अलावा जो वाइल्ड जानवर थे हमारे आसपास उनसे भी दोस्ती करने की कोशिश करती थी तो बचपन से ही ये बहुत दिलचस्पी रही थी और मेरे फादर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के डायरेक्टर रहे थे तो सब बोलते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स के फुटपाथ दिखाए हुए मार्ग पे चलते हैं तो उस समय जब मैंने देखा कि या तो मेरा चॉइस था कि मैं डॉक्टर बनूं और ऐसे ही किसी बड़े हॉस्पिटल में काम करूं और बीमार लोगों के साथ समय बिताऊं। अदर चॉइस वाज कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं बाहर इन सुंदर जगहों पे काम करूं प्रकृति में रहूं तो मेरे लिए तो बिल्कुल सिंपल चॉइस था कि मुझे प्राकृति और वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद था तो मैंने तब से मेरे ख़्याल छः साल की उम्र से फ़ैसला किया कि मुझे इकोलॉजी करनी है और मुझे इन्वामेंटल साइंसेस पर काम करना है तो कभी उसके बाद मैंने माइंड चेंज नहीं किया और मैं तब से इसी विषय पे काम कर रही हूँ तो डॉक्टर लतिका जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा पीरियड है क्योंकि उस टाइम पर Uh, जो थिंकिंग uh, है जो कल्चर है वो काफ़ी डिफरेंट था जैसे अभी जो युवा पीढ़ी है उन्हें पता नहीं है कि पहले क्या डिफिकल्टीज रही ऑबस्टिकल्स है, रही हैं जस्ट टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड व्हिच इज़ इनवाट कॉन्जर्वेशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वेल आई स्कूल वाज बेसिकली द एंड उस समय तो डेली uh, यूनिवर्सिटी में भी ये सब्जेक्ट नहीं था एक्चुअली uh, जब uh, 87 में मैंने स्कूल से ग्रेजुएट किया तो उसी साल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने uh, यह कोर्स शुरू किया था सो so, हम लोग फर्स्ट बैच थे और uh, उस समय मैं 16 साल की थी एंड uh, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि आप अगर इतनी छोटी उम्र में बाहर जाओगे विदेश जाओगे तो आपके लिए वापस आके इंडियन फील्ड में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो uh, मेरी मेरे को एडमिशन मिली थी काफ़ी uh, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इन द यूएस एंड द यूके, बट दे टोल्ड मी कि आप यहीं पढ़ो सो आई जॉइंड डेली यूनिवर्सिटी एंड यू नो स्टडी डिड अस सी इन एनवायरमेंटल साइंस उस समय रामजस कॉलेज में नया नया शुरू हुआ था और इट वाज अ वेरी डिफरेंट फील्ड टू बी एन छोटी सी क्लास थी टीचर्स के लिए भी नया था और वो समय था कि मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे तो जब फील्ड वर्क पर निकलते थे बिल्कुल अकेले होते थे तो बहुत बड़ा कदम था इवन फॉर माय पेरेंट्स टू लेट मी गो टू स्टडी इन द जंगल्स सो इट इज अ वेरी डिफरेंट टाइम जी और अगर उस समय की बात करें तो एक रूढ़िवादक मानसिकता भी रहती थी दैट द वाज ओनली डोमिनेटेड बाय मेल फोटोग्राफर्स तो फीमेल फोटोग्राफर आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए बैक देन पर उस समय मैं फोटोग्राफी नहीं कर रही थी मैं साइंटिस्ट थी मैं वैज्ञानिक थी और मैं जुआलॉजी में, uh, में uh, डॉक्टरेट कर रही थी uh, तो मेरा काम एज अ साइंटिस्ट था एज अ विज्ञानिक के तौर पे, और हम लोग वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे उसी समय जब तक मेरा मास्टर्स शुरू हो रहा था उस समय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी की भी स्थापना हुई और मैं उन दिनों उनका कैंपस भी नहीं बना था और हम लोग एफ आर आई देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में एक छोटे से भाग में आ, काम करते थे और आ, मैंने मास्टर्स जब एलिफेंट्स पे किया तो मेरा आ, फील्ड वर्क पूरा कॉर्बेट और राजा जी नेशनल पार्क्स में था और आ, लोग मानते ही नहीं थे कि एक आ, लड़की ये काम कर रही है और मुझे याद है कि उन दिनों आ, जब उनका प्रोजेक्ट चल रहा था हमने एक हाथी को रेडियो कॉलर किया था जो अपने समय के लिए बहुत यूनिक स्टेप था और एक बहुत बड़ा हाथी था बिग बॉस करके तो उनको जब हमने रेडियो कॉलर किया था उनके गले का पट्टा तेरह फुट लंबा था okay. तो नो बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिली करने को मिली और वो एक्सपीरियंसेस मेरे ख़्याल अब बहुत कम लोगों को मिलते हैं जी। uh, तो बहुत अच्छा भी रहा और बहुत लोगों uh, के कमेंट्स भी सुनने पड़े और uh, लोग बोलते थे अच्छा तुम तो साड़ी पहनते हो तुम कैसे फील्ड में काम करोगे और जब मैं विदेश जाती थी फिर भी लोग बोलते थे अच्छा तुम तो साड़ी पहनते हो तो मैं बोलती थी मैं भारतीय हूँ और ये हमारा नेशनल ड्रेस है तो मैं क्यों नहीं पहनूँ यू you नो know, ज़रूरी नहीं है कि आपको टी शर्ट और जीन्स में ही काम करना है सब टाइम तो Uh, बहुत uh, अलग अलग अनुभव हुए उस समय अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए विद प्रोजेक्ट टाइगर एंड विद जियो टाइगर प्रिंसेस तो मैं uh, पहली भारतीय हूँ और दुनिया में फर्स्ट वुमन uh, जिन्होंने uh, डॉक्टरेट किया है ऑन टाइगर्स uh, तो जब uh, मैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड में काम कर रही थी नेशनल uh, जियोग्राफिक को इसके बारे में पता चला और उन्होंने मेरी लाइफ के बारे में जब पता किया तो उन्होंने कहा कि वो एक डॉक्यूमेंट्री uh, फिल्म बनाना चाहेंगे तो एक घंटे की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी और उन्होंने मुझे यह खिताब दिया टाइगर प्रिंसेस ऑफ इंडिया उसके बाद जब uh, कई सालों बाद जब नेशनल ज्योग्राफिक चैनल इंडिया में लॉन्च हुआ था तो उसका लॉन्च भी Uh, मैंने किया मेरे साथ दो और भारतीय थे uh, एक ऋतिक रोशन थे जो uh, बहुत लोग जानते हैं और uh, दूसरा जेरी मार्टिन थे uh, जो उस समय बहुत वाइल्ड uh, लाइफ के प्रोग्राम्स करते थे तो हम तीनों ने नेशनल जोग्राफिक चैनल का भी लॉन्च किया था और उस मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि उस समय सब जगह जब आप जाते थे तो यही सुनने को मिलता था जियो तो ऐसे जियो नेट जियो और वो एड सब टाइम आता था टी पे तो उस सब से देश विदेश में मेरे बारे में लोगों ने जाना और ये टाइगर प्रिंसेस का नाम घर घर में आ गया और आजकल तो बहुत बच्चों को भी इसके बारे में पता है तो इट्स इट्स अ बिग ऑनर एब्सोलूटली आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के साथ वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन पर भी काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं तो उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द टाइगर्स और एनी वाइल्ड एनिमल इन द फील्ड इन द फॉरेस्ट इट्स सो इंडिया हमारी कंट्री एक बहुत अमेजिंग कंट्री है इतने बड़े पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन के होने के बावजूद हमारी बायोडाइवर्सिटी विश्व में मशहूर है और हमारे पास जो रिचनेस है जानवरों की चिड़ियों की प्लांट्स की वो बहुत कम देखी जाती है और गज़ब है कि हम लोगों के अंदर हमारे पुश्तैनी तौर तरीक़ों ने हमें सिखाया है हम कैसे प्रकृति को रिस्पेक्ट करते हैं हम आ, बहुत चीज़ों को पूछते हैं तो हमारे कल्चर में ये बहुत अहम हिस्सा है और आई थिंक इसी वजह से हमारे पास ये रिचनेस है जी जी बायोडाइवर्सिटी की हाल ही में बहुत चर्चा हुई कि हमने समय से पहले अपने टाइगर पॉपुलेशन को भी डबल कर लिया ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कंसिडरिंग वे लुकिंग एट डेवलपमेंट कि हम इतने फास्ट पेस से डेवलप कर रहे हैं और डेवलपमेंट के साथ साथ आ, सरकार ने इतना स्ट्रेस दिया है कंजर्वेशन पे और हमने अपनी टाइगर पॉपुलेशन डबल कर ली प्रोटेक्ट भी कर ली पर अब आ, हमें आगे देखना है और आ, हमने वो लैंडमार्क अचीव कर लिया पर इसके साथ साथ वी नीड टू इंश्योर कि लॉन्ग टर्म ये पॉपुलेशन सस्टेनेबल रहे Uh, और इसके लिए हमें अब एग्जिस्टिंग हैबिटेट को और स्ट्रेंथन uh, करना है हमें आगे के लिए नए एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना है और जो ये बढ़ती हुई टाइगर पॉपुलेशन है इसके लिए uh, खाना पानी और uh, सुरक्षा इंश्योर करनी है और देखना है कि जैसे ये पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी रेट पे हम इनको सुरक्षा दे सकें। जैसे पॉपुलेशन तो बढ़ गई हैबिटेट भी हमें इंक्रीज करना है नहीं तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा बिल्कुल अब... और वो बढ़ रहा है जी उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा जस्ट इन केस कुछ एनकाउंटर ऐसा हो जाता है वी पीपल आर अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सो आई थिंक अभी uh, सही समय है कि प्रोजेक्ट टाइगर और सरकार एक नया uh, uh, प्रोग्राम शुरू करें जहाँ पे लोगों के साथ आ, वो काम करें फील्ड में खासकर वो लोग जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के को नज़दीक रहते हैं और आ, उनको सिखाया जाए कि अगर आ, जंगली जानवर उनके गांव उनके शहरों में आए तो उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए घबरा कर आ, उनके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जानवर और इंसान दोनों घायल हो सकते हैं और दोनों की मृत्यु हो सकती है ये सिर्फ छोटे गांव और छोटे शहरों की बात भी नहीं है आपको याद होगा कोविड में दिल्ली हैदराबाद अहमदाबाद जैसे शहरों में उदयपुर जैसे शहरों में बड़ी कैट्स लेपर्ड्स टाइगर्स आ जाते थे अभी हाल ही में गाज़ियाबाद में एक कोर्ट के अंदर एक लेपर्ड आ गया था तो ये जानवर हमारे आसपास रहते हैं हमें उन्हें आ, समझना है और हमें ये टॉलरेट करना है कि ये पृथ्वी जितनी हमारी है उतनी उनकी ही है भी है और वो हमारे आसपास हमारी हमारे स्पेस को शेयर करते हैं सो तो ये आ, बहुत ज़रूरी है कि लोग ये समझें और उनके पास बेसिक ट्रेनिंग हो कि इन सिचुएशंस में वो अपने आप को अपने बच्चों को और एनिमल्स को कैसे ट्रीट करें कैसे हैंडल करें जी डॉक्टर प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट कॉन्जर्वेशन मर्ज हो गई हैं एज फार टू प्रोग्राम्स आर इसके बारे में आप क्या कहेंगे सो प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया का लैंडमार्क कन्जर्वेशन प्रोग्राम है इससे हमने दुनिया में दिखाया है कि भारत में हम टाइगर संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं और इसका एक यूनिक स्टेटस था इसके सक्सेस पे के बेसिस पे बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स शुरू हुए थे जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे प्रोजेक्ट राइनोसरस हाल ही में हमने 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स टाइगर सेलिब्रेट किया है और इसके साथ साथ एक और डिसीजन आया था जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हुई है आ, वो है कि अब काफ़ी ये बड़े प्रोजेक्ट्स मर्ज होके एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे इसके प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं uh, क्योंकि काफ़ी एरियाज़ में हैबिटेट्स कॉमन हैं तो रिसोर्स पूल होके एक कंबाइंड कॉन्ज़रवेशन एफर्ट भी होता है पर क्योंकि ये हमारा सिग्नेचर कॉन्जर्वेशन एफर्ट था और दुनिया इसको देखती थी बहुत नज़दीक से अब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने जब अम्ब्रेला प्रोटेक्शन का अम्ब्रेला बढ़ा दिया है और प्रोजेक्ट्स को मर्ज कर दिया है हम पहले से बेहतर काम कर सकते हैं तो आई थिंक अब और भी चैलेंजेस हैं क्योंकि एरिया ज्यादा बढ़ गया है और स्पीशीज़ ज्यादा बढ़ गए हैं इस अम्ब्रेला केंगलो ना टॉकिंग अबाउट द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं बैकदन काफ़ी ज़्यादा रहते होंगे अब रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो अगर आज के समय की बात करें तो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में क्या कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं uh, सबसे पहले और सबसे आई uh, थिंक दो ज़रूरी चीज़ें लोगों को समझनी है कि वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी ऐसी फील्ड है जहाँ अर्निंग का स्कोप लिमिटेड है सो so, लोग खासकर यंग लोग जब इस फील्ड में जाते हैं उनको समझना चाहिए कि संघर्ष बहुत होगा जी और सेल्फ सपोर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंडीशंस बहुत टफ़ हैं बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं फील्ड वर्क बहुत कठिन एरियाज़ में होता है कंडीशंस uh, ऐसी हैं जहाँ पे आप ज़्यादातर समझते हैं आर्मी के लोग या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग ऐसे कंडीशंस में काम करते हैं सो so, आपको बहुत मेंटली टफ होना पड़ता है uh, और पैशनेट होना पड़ता है इस फील्ड में काम करने के लिए पैशन के बिना काम नहीं होता सो सो चैलेंजेस अर्निंग के हैं चैलेंजेस फील्ड वर्क कंडीशंस के हैं चैलेंजेस इक्विपमेंट के कॉस्ट के भी हैं क्योंकि लेंजिज़ बहुत एक्सपेंसेस हैं एक्सपेंसिव है आपको बड़े लेंसेज खरीदने पड़ते हैं आ, आपको अपने फील्ड वर्क को फंड करना पड़ता है पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत एक्सपेंस आता है आ, बहुत कम वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफर्स हैं तो उनके साथ अप्रेंटिसशिप के मौके बहुत कम हैं तो टफ कंडीशन है पर बहुत रिवॉर्डिंग है आपको वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो मेरे ख्याल पॉइंट वन परसेंट को भी नहीं देखने को मिलती तो आ, और आप एक एक चीज़ जो करते हैं उससे फर्क पड़ता है अवेयरनेस बढ़ता है कॉन्जर्वेशन के लिए सपोर्ट आता है आप बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉलिसी मेकर्स डिसीजन मेकर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो बहुत अहम काम है ये पर कठिन काम है जी Uh, Dr. Latika, from uh, shooting with a gun, now you're shooting with a camera. Kafi, uh, ye jo Ruchi hobby me, isme kya parivartan hai? What is your take on that? There's a lot of talk on what cameras to buy and where to take your photographs from. So there's a whole uh, circle uh, who are involved in this. Haan, I think uh, shooting uh, with the gun was till the early seventies.

और सीखने लगे कि जानवरों को क्या चाहिए उनको कैसे हैबिटेट चाहिए उनको कितना स्पेस चाहिए उनकी ब्रीडिंग साइकल्स क्या थे तो धीरे धीरे वो सब ये रिकॉर्ड करते जाते थे और अब अगर आप, आप बाहर हिस्ट्री में जाते हैं तो जैसे चैम्पियन थे जो एक ब्रिटिश फॉरेस्टर थे उन्होंने पहली बार इंडियन जंगल्स में कैमरा ट्रैप्स लगाए थे और वो फोटोग्राफ्स जब हम देखते हैं हम समझते हैं कि एनिमल बिहेवियर की पहली स्टडीज़ उन जैसे लोगों ने की थी और फिर डॉक्टर सालम अली जैसे लोग थे और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बनाई गई और उसके बहुत सारे मेंबर्स हैं तो इंटरेस्ट इन लोगों से शुरू हुआ डॉक्टर रंजीत सिंह जी हैं जिन्होंने इंडियन वाइल्ड लाइफ के लिए इतना किया है उनकी भी प्रोग्रेशन शूटिंग से यू नो वाइल्ड लाइफ साइंस पे गई और फोटोग्राफी पे जी। uh, तो बहुत सारे लोग अब इसमें इंटरेस्टेड हैं बहुत सारे यंग पीपल चूज करते हैं कि वो अपना फ्री समय जाएं और और नेशनल पार्क्स में जाएं और अब तो इक्विपमेंट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है यू कैन रेंट इक्विपमेंट दैट मेक्स इट ईजियर और लोगों के पास एक्सेस हो जाता है कि वो लिमिटेड बजट में भी बड़ा लेंस लेके पाक जा सकते हैं पर एक पैरल इंडस्ट्री फॉर्म हो गई है एंड आई थिंक इंस्टाग्राम और फेसबुक और सोशल मीडिया के यूज़ uh, से लोग अपनी पिक्चर्स भी शेयर कर रहे हैं पहले तो आपको ढूंढना पड़ता था किसी को जो वो फ़ोटोग्राफ से क्रिटिक uh, कर लें और समझ लें कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बट नाई नाउ अब सोशल मीडिया से

शॉर्ट बाय चांस में आज हमने शामिल किया है जलपाईगुड़ी के श्री दीपांकर चक्रवर्ती का फोटो इसमें अत्यंत सुंदर पक्षी पेराडाइज फ्लाई कैचर नर घोंसले में बैठा है और मादा हवा में एक खूबसूरत पोज दे रही है लगता है कि नर और मादा दोनों ही बच्चों का ध्यान रखते हैं इस दुर्लभ फोटो को भेजने के लिए हम दूरदर्शन की ओर से श्री दीपांकर चक्रवर्ती का हार्दिक धन्यवाद करते हैं यदि आपके पास भी जंगल में लिया गया कोई दुर्लभ फोटो या वीडियो है, तो आप हमें भेजें। हमारा ईमेल एड्रेस है dd morning show two three at gmail dot com। Well, that was uh, the paradise uh, flycatcher, male and female both interacting. The male, of course, in the nest, and you have the female. Uh, flying over it, uh, hovering in fact uh, in mid air itself. So it's a unique shot that we encourage on uh, the Doordarshan Morning Show to our contributors, and we would like to thank our contributor in this case. Do uh, email your images and videos to uh, DD Morning Show 23 at uh, gmail.com, uh, and we have been inundated uh, with the contributions uh, from all our viewers of this uh, Morning Show. Uh, do continue to do thus. Uh, we may not be able to uh, show all the images, but we are in the process of sorting it out and showing it on the morning uh, show. So, that is a uh, shot by chance.